गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोगों की चल रही हैं उसको आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम इंग्लिश की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2, लेट्स रन प्राणायाम। प्राणायाम वर्ड आपको सुना हुआ लग रहा होगा कि प्राणायाम क्या होता है। यस, प्राणायाम योगा है, एक योग है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये योगा करते हैं। आज हम योगा के ही इस टॉपिक जिसको हम प्राणायाम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली प्राणायाम होता क्या है और इसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स रन प्राणायाम। तो व्हाट इज अ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि प्राणायाम एक ऐसा योग है, ऐसा योगा है जिसको करने से हम अपनी श्वास यानी अपनी सांस पर कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसको करने से हम अमर हो जाएंगे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन हमारे अंदर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे पावर्स बनते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने श्वास पर नियंत्रण कर पाते हैं, यानी कि हम उसको काफ़ी देर तक रोक सकते हैं और अच्छे से श्वास का विस्तार कर सकते हैं। इससे हम कई बीमारियों को, शरीर की लगी हुई बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा ही योगा है जिसको हम लोग अपने दिनचर्या में अगर प्रतिदिन करते हैं तो बच्चों कहा जाता है इस प्राणायाम को करने से जो लोग डेली प्राणायाम करते हैं वो काफ़ी बीमारियों को अपने शरीर से दूर कर लेते हैं। प्राणायाम से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राणायाम जो योगा होता है इसको करने से हमारी जो श्वास है यानी हम जब सांस लेते हैं तो उस पर हमें कंट्रोल करना और उसको विस्तार करना हमें आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब योगा करते हैं तो उसमें जब हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं और हमारा पोजीशन ओम वाला होता है, जब हम पैर फोल्ड करके ओम वाला पोजीशन लेते हैं वैसे ही स्ट्रेट हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी नॉस्ट्रल यानी नाक को लेफ्ट एंड राइट साइड से कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे श्वास को लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। आपने अपने स्कूल में भी योगा करा हुआ है, आपको बताया जब भी गया है और आप अपने दिनचर्या में घर में किसी ना किसी को या आप खुद भी इसको करते होंगे तो प्राणायाम का आपने तरीका देखा होगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि प्राणायाम जब हम पैर फोल्ड करके स्ट्रेट बैठते हैं तब हम लोग अपनी सांस को बहुत गहरा ऊपर लेते हैं। अब हम एक अपने उल्टी हाथ की तरफ से अपनी नाक के होल को बंद कर लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर जो नाक का एरिया हमारा खुला हुआ था उसको दबाकर जो बंद किया था उससे सांस को छोड़ देते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड से नॉस्ट्रिल को पकड़ना और जिस पार्ट को हम दबाते हैं उसके अपोजिट पार्ट्स को वापस दबाते हुए और अपनी श्वास को छोड़ देना, ये क्रिया ही हमारा प्राणायाम कहलाती है। ये हमें श्वास पे कंट्रोल और विस्तार करना सिखा देती है। ये एक ऐसा योग है बच्चों जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से दूर की जा सकती है। वैसे ही कहते हैं कि जो प्रतिदिन योगा करते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, उसका कारण ही यही है, जिसमें सबसे अच्छा जो योग माना जाता है वो प्राणायाम ही माना जाता है। जो लोग प्रतिदिन सुबह प्राणायाम करते हैं वह कम बीमार पड़ते हैं। तो आज हम जो प्राणायाम पढ़ रहे हैं उसको मैं एक डेफिनेशन के थ्रू और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। प्राणा यानी प्राण, नाम से ही पता पड़ रहा है, प्राण मीन्स लाइफ फोर्स ऑफ ब्रीथ सस्टेन द बॉडी। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी ब्रीथ यानी हमारी जो सांस है उसका क्या होता है, विस्तार होता है। मैंने जैसे आपको बताया जब हम लोग सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, ऐसा रेगुलर करने से हमारे में क्या होता है, श्वास जो हमारी प्रतिदिन की जो श्वास लेने की गति होती है उसमें हल्का फुल्का विस्तार धीरे धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे विस्तार होने लगता है। आज हम लोग जानते हैं कि हम अपने जिस माहौल में हम लोग रहते हैं वहाँ बीमारियाँ, पॉल्यूशन, तरह तरह के रोग मिल ही रहे हैं,
तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हम कैसे सेफ रख सकते हैं? ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है जिसमें अपनी सांस को हम लोग विस्तार कर सकते हैं. एंड आयाम, ट्रांसलेट इज एक्ट टू एक्सटेंड और ड्रो आउट टुगेदर टू मीन ब्रीथ एक्सटेंशंस और कंट्रोल. यानी प्राणायाम का मतलब होता है, प्राणायाम जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, प्राण प्लस आयाम. प्राणायाम इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी जीवन शक्ति को लंबा करना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अमर नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के शरीर में ये योग करने से, ये योगा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हम कम बीमार पड़ते हैं. और ऑब्वियसली अगर हम कम बीमार पड़ेंगे, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर को नहीं लगेगी, तो ऑब्वियसली हमारी जो जीवन शैली है या जो हमारा जीवन है, जो हमारी जीवन शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. लंबा करना प्राण का आयाम का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है. प्राण का आयाम या विस्तार यानी प्राण का बढ़ना ही प्राणायाम कहलाता है. ये प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है. जीवन शक्ति प्रदान करना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है. जैसे आज हम जानते हैं, हम सब एक बहुत बड़ी बीमारी को फेस कर रहे हैं जिसका नाम कोरोना वायरस है. आप लोग टीवी में, अपने आसपास न्यूज़ चैनल पर, सब जगह एक ही चीज़ सुन रहे होंगे कि वह व्यक्ति इस रोग से बच सकता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है. और आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि हमें प्रतिदिन अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हमें साथ के साथ योग भी करना चाहिए. ये केवल आज की ही बीमारी के लिए नहीं बच्चा, लेकिन ये हमारे हर समय की, हमारी हर तरह के रोग, चाहे वो रोग छोटा हो या बड़ा हो, उसको लड़ने की शक्ति प्रदान करता है. तो यही तरीका आपको आपके चैप्टर नंबर 2 में लेट्स लर्न प्राणायाम में बताया गया है कि प्राणायाम क्या होता है. प्राणायाम होता है जो कि हमारे अंदर प्राण शक्ति को बढ़ा देता है और उससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम लोग कम बीमार पड़ते हैं. इस चैप्टर को आप लोग अपनी रीडर बुक में और विस्तार से पढ़ सकेंगे. इसमें आपको बुक में डिफरेंट डिफरेंट पोज भी बताए गए हैं, डिफरेंट मुद्राएं बताई गई हैं कि जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारी मुद्राएं क्या क्या होती हैं. आप अपनी रीडर बुक में खोल के देखेंगे तो ये सारी मुद्राएं और उसके करने का तरीका आप लोगों को आपकी किताब में बताया गया है. मैंने अभी आपको सिर्फ प्राणायाम क्या है वो एक्सप्लेन किया है, जिसकी मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन बताई है. ये डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और प्राणायाम क्या होता है ये लिखना है और इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा भेजूंगी. तो ये बच्चों आपको अपना एक छोटा सा टॉपिक है जो आज मैंने आपको पढ़ा है, लेसन 2 लेट्स लर्न प्राणायाम. इसको आपको अपनी कॉपी में करना है और इस लेसन को ध्यान से सुनना है. थैंक यू, टेक केयर.